एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। थोड़ा अच्छी नहीं थी, कल करवा चौथ बीता है, आप मेहंदी देख सकते हो, बट मैंने करवा चौथ का ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मूड थोड़ा ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था और फीवर जैसा लग रहा था। तो कैसे भी करके करवा चौथ का दिन बीत चुका है, मैंने नेक्स्ट डे अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो बहुत दिनों बाद, मतलब दुर्गा पूजा हो गया, बहन चली गई, सिस्टर चली गई, उसके बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अभी बस निकले हैं कुछ मार्केटिंग करने के लिए, तो सोचा कि चलो एक ब्लॉग बनाते हैं, देखते हैं पूरा दिन कैसे निकलता है। तो बने रहिए, चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले मार्केट और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मार्केट तो हो चुकी है हम लोगों की, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और ये देखिए पंडाल यहाँ बनना शुरू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे अभी किस चीज़ का पंडाल? तो यहाँ पे काली पूजा भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऑफकोर्स ये कोलकाता है, यहाँ पे काली जी की पूजा जोरों शोरों से होती है, तो इसके लिए भी पंडाल बनना शुरू हो चुका है क्योंकि आई थिंक सिर्फ 10 दिन है काली पूजा में। जी हाँ, हम लोग जो दीपावली की पूजा करते हैं उसी दिन से काली पूजा स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी पंडाल बनना शुरू हो चुका है। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने मार्केट में कुछ भी सूट नहीं किया। और अभी घर हम लोग पहुँचने वाले हैं, रास्ते में हैं और थैला वगैरह नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी था। तो मैंने भाई को बोला कि भाई तू आके लेके जा उसे, तो आया था वो रोड पे, उसे लेके गया। और ये हाथ में मेरे एक कॉपी है क्योंकि दी का बेटा यहीं पे है, तो यहीं पे स्टडी कर रहा है कुछ दिन के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ जाएगा, तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो सारी स्टडी की चीज़ें मैंने ली है। और अभी घर जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है तो अभी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। मौसम ठीक था इसलिए हम लोग निकले थे, बट बाहर निकलते ही सडनली बहुत तेज़ धूप हो गया, तो क्या कर सकते हैं, अब तो बाहर आ गए हैं। तो बस अब घर चलते हैं, मैंने तो कुछ सूट नहीं किया मार्केट में, घर चलते हैं देखते हैं क्या होता है। उस दिन पापा की छुट्टी थी तो हम लोगों ने घर में बैठ के बहुत सारी बातें शातें की और इससे इतना टाइम पास हो गया। फिर मैं सो गई, मतलब मैं क्या, हम लोग सभी सो गए और अभी मैं शाम को उठ के अपनी शाम का चाय एंजॉय कर रही हूँ। मतलब हमारी पूरी फैमिली जो जो हम लोग बैठे थे तो सब बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे। शाम का टाइम ऐसे उस दिन का कुछ गुजरा, तो मैंने कुछ भी और शूट नहीं किया था क्योंकि कुछ शूट करने जाता था भी नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नेक्स्ट डे हो गया है और यहाँ पे मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और साथ में मस्ती भी कर रहा है क्योंकि सुबह में इसका एक शेड्यूल भी मैंने बना दिया है कि उसको उठ के मॉर्निंग में पढ़ाई करना है, तो वो वही कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता प्रिपेयर किया, बनाना मतलब स्टार्ट किया। माँ यहाँ पे सत्तू भर के पराठा बना रही थी, तो वो भर के बेल रही थी और मैं साथ दे रही थी उसको सेकने में क्योंकि फटाफट से ऐसे बन जाता है। कहाँ से लगाए हो ये वाला? बजरंगबली से पूछे हो? बजरंगबली से पूछे हो? धीरे से पूछे हो, तो क्या बोले बजरंगबली? ठीक है लगा लो। एक मीठा लेके खा क्या? मम्मा खिला रही है ना बेटा, मम्मा जब हाथ जूठा किए तो फिर तुम क्यों? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हारे लिए सादा पराठा बना है? पटना में सादा पराठा बना के जाते वैसे यही है सादा पराठा। हाँ उस दिन मैंने नाश्ता नहीं किया, डायरेक्ट लंच किया, जो नाश्ते में पराठा बना था मैंने वही खाया, मेरा मूड नहीं था खाने का। हुआ नहीं है, दो बार तोड़ा है। मिलता में वो थोड़ा हाई क्वालिटी का दाम भी रखा है। गुड इवनिंग, शाम को मैं मिल रही हूँ, उसके बाद मैंने अपना लंच कंप्लीट किया, उसके बाद मैं सो गई। यहाँ पे तो अभी पूजा खत्म है तो उतना कुछ हैट्रिक नहीं चल रहा है कुछ दिन, उसके बाद फिर दीपावली वगैरह आने वाली है
और अभी शाम हो चुकी है और मैं और मम्मी डेली शाम को बाहर जाते हैं वॉक करने या फिर कुछ चीज़ें लेनी होती है, अभी जो भी हो, मतलब हम लोग जाते ही जाते हैं 2 घंटे के लिए बाहर। तो बस अभी रेडी हो चुके हैं बाहर निकलने के लिए और देखते हैं बाहर से घूमने जाते हैं या फिर कुछ लेते हैं, तो जैसा होगा आपको पता चलेगा। तो चलिए आप भी हम लोगों के साथ। कैसे हैं, मैं फिर से आ गई। पता नहीं ये ब्लॉग कितना लंबा चलने वाला है, मुझे खुद को नहीं पता। थोड़ा 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 करके शूट हो रहा है हर दिन। अभी आफ्टरनून होने वाले हैं थोड़ी देर में, मॉर्निंग तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर कुछ चीज़ें लेनी। क्यों लेनी है? क्योंकि मेरे बड़े पापा, अपने तो नहीं बट हाँ रिलेटिव में आते हैं बड़े पापा, उनके बेटे की बेटी हुई है, ये दूसरी बच्ची है, एक बेटा पहले से ही है और आज उसकी छठी है। जी हाँ, छठियार हम लोग बोलते हैं। तो वही शाम को फंक्शन है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए मैं और मम्मी जा रहे हैं बाहर। तो देखते हैं क्या पसंद आता है, क्या हम लोग ले पाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं, क्योंकि शाम को फिर फंक्शन में जाने के लिए भी सबको रेडी होना होगा। तो चलिए चलते हैं। मेरी शॉपिंग हो चुकी है, मैंने बहुत क्यूट क्यूट से 2 ड्रेसेस लिए हैं बच्ची के लिए। मैं बुआ हूँ, ऑफकोर्स मैं बुआ हुई, तो मैंने ड्रेसेस ले लिए हैं, पैकिंग करवा लिया मैंने बाहर ही। और भाई उसके हाथ के लिए कड़ा लेके आएगा, तो उसने बोला कि आप लोग सिर्फ ड्रेस लेके आ जाओ, मैं कड़ा लेते आऊँगा, तो वो कड़ा लेके आएगा। और भी इतनी तेज़ धूप हुई है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी हम लोग घर जाएंगे, मम्मी लोग थोड़ा रेस्ट करेगी, देन फिर रेडी होकर वो लोग निकलेगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि शाम को छठी है, तो मैं तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे कमर में थोड़ा सा पेन है और मेरे साथ बेटा भी नहीं जा रहा है। बट मम्मी लोग रेडी हो चुकी है, भाई भी रेडी हो रहा है, तो वो लोग जाएंगे। तो मैं और बेटा नहीं जाएगा क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ, तो इंटरटेन करने के लिए कोई तो साथ में होना चाहिए, तो वो तो 10 लोगों के बराबर है इंटरटेन करने के लिए। और पापा रात में आएंगे, भैया भी रात में आएगा, तो वो लोग भी नहीं जा सकते, तो अभी सिर्फ हम दोनों रहेंगे, बाकी ये तीनों चले जाएँगे। बस उसके बाद वहाँ पे ये लोग इन्जॉय करेंगे और मैं और मेरा बेटा यहाँ पे। मॉर्निंग हो चुकी है और इस ब्लॉग को मैं बहुत ही ज़्यादा कट 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 करके बहुत लंबा लेके जा चुकी हूँ, तो और लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो बस मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।